लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में तमाम पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जुटी है। इसी बीच महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी यानी MVA के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ चुकी है। संजय राउत ने इस बात का ऐलान किया है कि पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर अब बात बन गई है। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे गुट 21 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई है, जबकि शरद पवार की NCP कुल 10 सीटों पर लड़ेगी। आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में राज ठाकरे की बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में राज ठाकरे NDA में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर आज MNC की बड़ी रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी। कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की थी। राज्य के डिप्टी CM देवेंद्र ने भी कहा है कि अगर राज ठाकरे NDA में शामिल होते हैं तो उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत 7 चरणों में होने वाली है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होंगे। मतों की गिनती 4 जून से होगी। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि लगभग 29.7 करोड़ पात्र मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जिन 50 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ था उनमें से 17 सीटें महानगरों यानी बड़े शहरों के थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन तो नजदीक आ गए, लेकिन क्या सब पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार इस चीज को लेकर अभी तक रेडी हुए या नहीं हुए।